हाय एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं पूनम राजपूत आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशा हॉल जिसमें मैंने मंगाए हैं पार्टी वियर है, कुर्ता कुर्ता प्लाज़ो एंड कुर्ता प्लाजो दुपट्टा सेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होने वाले हैं फंक्शन छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी अच्छे से फंक्शन के लिए भी होने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं बहुत सिम्पल सोवर एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में तो वन बाय वन करके मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी उससे पहले सभी बता दूं कि सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ वहाँ से कोड लेके आप ले सकते हो और अगर कुछ भी पसंद आता है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा मंगाते भी नहीं हो आपको पसंद आती है मेरी चॉइस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए साड़ी हॉल को जो थी रेडीवियर एंड सीकवेंस वर्क साड़ी हॉल थैंक यू सो मच इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए आगे की वीडियो को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा मैं बहुत सारे हॉल्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं अपना फर्स्ट पीस जो है ये कुर्ता बहुत ही प्यारा सा है इंडोएरा ब्रांड का है इंडोएरा ब्रांड का है बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है पार्टी वियर है और ये है कुर्ती ये सिंपल कुर्ती है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में एंड लुक बहुत अच्छा देने वाली है आपको ट्राई ऑन में आप देख सकते हो आप ज्वेलरी एंड जब प्लाजो के साथ पहनोगे ना मैंने ऑफ वाइट प्लाजो के साथ पहना था आप गोल्डन के साथ भी पहन सकते हो बहुत ही प्यारा लगेगा और ये ना क्लॉथ इसका अलग ही है ये हल्का सा शाइन वाले क्लॉथ में है तो ना पार्टी फंक्शन में इस तरह के जो क्लॉथ्स हैं बहुत प्यारे लगते हैं बहुत अच्छी सी शाइन आती है तो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा आपका ड्रेस तैयार हो जाएगा जब इसको स्कर्ट या प्लाज़ो के साथ आप पहनोगे इस तरह का कुर्ता है और हल्की सी शाइन है इस क्लॉथ में बहुत ही प्यारी स्टिचिंग है एंडोयरा के लिए तो ये ब्रांड अगर आपने पहनी है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको पता है बहुत ही अच्छी ब्रांड है इसके क्लॉथ सारे ही मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है इस तरह का क्लॉथ है कुर्ती है कुर्ती पर इस तरह का स्टार्टिंग में पैच लगा हुआ है पे बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है स्ट्रेट कुर्ती है बैक से भी बिल्कुल प्लेन है इस तरह की महरून इसका कलर है और स्लीव्स की मैं बात करूँ स्लीव्स इतनी हैं और स्लीव्स पे इस तरह से ये आगे बॉर्डर दिया हुआ है लेस लगी हुई है बहुत प्यारी लग रही है पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आया एंड इतने कम प्राइस में मुझे लगा नहीं था लेकिन इसमें इनर नहीं लगा हुआ अगर मैं बताऊँ आपको वैसे एक चिकना वाला जो क्लॉथ होता है ना उस तरह का है लेकिन इनर नहीं लगा हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है जैसे कि ये ना सिलाई में से खिंचने वाला उस तरह का नहीं है तो काफ़ी प्यारा पीस है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा अगर आपको पसंद आता है आप ज़रूर लीजिएगा सेकेंड है हमारे पास ये कुर्ती जो है बहुत प्यारी अगेन ये भी सिंगल कुर्ती है बहुत ही प्यारी है बहुत कम प्राइस में रियॉन क्लॉथ में है नेक पे इस तरह से प्यारी सी एम्ब्रॉयडी है एम्ब्रॉयडी में बहुत अच्छी फिनिशिंग है फॉल्स मिरर है धागे की एम्ब्रॉयडरी है धागी है, थ्री कलर से एम्ब्रॉयडी है ये है ऑरेंज रेड एंड येल्लो थ्री कलर से एम्ब्रॉयडरी है फॉल्स मिरर लगे हुए हैं नेक पे बहुत ही प्यारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ एंड बहुत नीट एंड क्लीन जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई है बाकी पूरा कुर्ता ब्लू कलर का है इस तरह का एक और पीस मैंने पहले मंगाया हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था जो था येलो कलर में अब मैंने ये सेकंड पीस मंगाया है जो है ब्लू कलर में ये भी बहुत प्यारा रिसीव हुआ है इसकी क्लॉथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है नीचे से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है क्लॉथ क्वालिटी बहुत मस्त है आपको पहनने के बाद बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा आप समर्स में भी इसको ईजीली पहन सकते हो बहुत अच्छा बहुत कम्फर्टेबल क्लॉथ होता है ये पीछे से बिल्कुल प्लेन है स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स इतनी है और आगे इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है इस पर थ्री कलर का प्लाजो आप किसी भी कलर का पहन सकते हो ट्राई ऑन में बहुत प्यारा लुक आया था रेड कलर का प्लाजो मैंने आई थिंक इसके साथ पहना है एंड बहुत प्यारा लुक है तो इसे भी अगर आप दुपट्टे और प्लाज़ो के साथ अच्छे से कैरी करते हो तो आप कहीं भी पहन सकते हो छोटे मोटे फंक्शन में भी पहन सकते हो और ऑफिस वगैरह में भी पहन सकते हो बहुत ही प्यारा पीस है इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट पीस है हमारा थ्री पीस में कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टे का सेट यह है इंडोरा ब्रांड से काफ़ी प्यारा है सिंपल सोवर में आपको एलिगेंट सा लुक चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट पीस है बहुत ही प्यारा मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था पिक आप देखो यहाँ पे जब आप इस तरह से कैरी करोगे इसको बहुत प्यारा लगेगा आप इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकते हो दुपट्टे को इस तरह से या फिर बेल्ट के साथ बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा तो ये है पार्टी वियर कुर्ता प्लाजो है लेकिन बहुत सिंपल सोवर सा बहुत अलग सा लुक देगा इस तरह के जो प्लाजो सेट होते हैं वो आपको बहुत डिफरेंट सा लुक देते हैं ये है कुर्ता एंड प्लाजो जो है मतलब ज़्यादा उसमें नहीं है सिंपल है बिल्कुल इसकी क्लॉथ क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई आपको देखने में ये प्लेन लग रहा होगा लेकिन ये प्लेन नहीं है इसमें हल्की हल्की इस तरह से क्लॉथ में ही लाइनिंग है जो बहुत प्यारी लग रही है हल्की सी शाइन है बहुत ज़्यादा नहीं बहुत हल्की सी शाइन है जो पार्टी फंक्शन के क्लॉथ में अच्छी लगती है तो इस इंडोवेरा ब्रांड का जो है क्वालिटी की बताने की जरूरत नहीं है बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है तो फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है तो ये है नेक नेक भी इस तरह से ही पट्टी लगा के बटन लगाए गए हैं और थोड़ा सा ये ओपनेबल है यहाँ से इतना जो आप ओपन करके अगर नेक में नहीं फंसता है तो इस तरह से डाल सकते हो अगर आपको लगता है छोटा है तो इस तरह से बटन्स लगे हुए हैं ये थ्री कलर के बटन हैं जो कि इसके दुपट्टे के कलर में हैं थ्री थ्री यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं बाकी पूरा कुर्ता बाकी प्लेन है लेकिन लुक बहुत अच्छा है ट्राई ऑन में आप देख सकते हो एंड जब आप इसको ज्वेलरी के साथ पहनोगे हैवी ज्वेलरी के साथ बहुत प्यारा लगेगा तो ये है पीछे से बिल्कुल प्लेन है स्लीव्स इस तरह की हैं एंड स्लीव्स पे आगे इस तरह से कट है आप देखो इस तरह से कट दिया हुआ है और उस पर लगाए हुए हैं बटन तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा ये है कुर्ती एंड सेम क्लॉथ में है इसका प्लाजो ये प्लाज़ो की स्टिचिंग बहुत अच्छी है क्लॉथ क्वालिटी सेम है आगे इस तरह से बेल्ट है पीछे इस तरह से इलास्टिक है दोनों साइड इसमें पॉकेट दी हुई हैं इस तरह से ये देखिए अच्छे से पॉकेट दी हुई है। हैं दोनों साइड ने एक साइड सॉरी पॉकेट दी हुई है इसमें और नीचे से प्लाजो स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है इस ब्रांड की ये है इतना चौड़ा प्लाजो है बहुत ही प्यारा पीस है अगर आपको पसंद आता है ना आप बिना सोचे ले सकते हो थाउजेंड के आसपास है बट बहुत प्यारा है और इसी पीस को ना आप फ़्लिपकार्ट या एमज़ोन या फिर मिनतरा पे जाके ढूंढोगे ना ये सेम पीस आपको कॉस्टली मिलेगा ये सिर्फ मीशो पे है कि कुछ पीस जो है ना ब्रांडेड अच्छे मिल जाते हैं मैंने कई बार ट्राई किया है मैंने ट्राई ऑन मतलब मैंने कंपैरिजन वीडियो भी डाला हुआ है ब्रांड का तो आप देख सकते हो वो भी कुछ चेंजेस नहीं थे कुछ चीज़ों में आप दुपट्टे की मैं बात करूँ दुपट्टा है ये जो है सिल्क में बहुत ही प्यारा दुपट्टा है आप देखो ऑफ वाइट कलर का सूट और इस तरह का कलरफुल दुपट्टा आप खुद सोचो लुक कितना प्यारा आने वाला है ट्राई ऑन में बाकी आप देख सकते हो साइड में इस तरह का कलर है और बीच में पूरा इस तरह का है लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है दुपट्टा बहुत प्यारा है इस सूट के साथ नहीं आप बहुत सारे सूट्स के साथ इसको ले सकते हो लाइट कलर के किसी भी सूट के साथ लंबाई चढ़ाई बहुत अच्छी है बहुत ही प्यारा सा सूट है अगर ये पीस आपको पसंद आता है ना आप ज़रूर लीजिए बिना सोचे लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा नेक्स्ट पीस की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पीस है एक कुर्ती जो है येल्लो कलर में बहुत ही कम प्राइस में है तो ये है कुर्ती इस तरह की अगर हल्दी फंक्शन में आप सिंपल सा कुछ पहनना चाहते हो तो ये पहन सकते हो बहुत प्यारी लगेगी और इसकी क्लॉथ क्वालिटी मुझे समझ में नहीं आई आई थिंक कॉटन तो है लेकिन कुछ अलग सा ही है थोड़ा मतलब मुझे उतना कंफर्टेबल क्लॉथ इसका नहीं लग रहा है मुझे पर्सनली अगर हो सकता है आपको पसंद आए लेकिन उतना जो जितना औरों का कंफर्टेबल है उतना नहीं है कुछ अलग सा ही क्लॉथ है बट कॉटन है इस तरह का नेक है और नेक इस तरह से यहाँ तक ओपन है ये इस तरह से पैच लगा हुआ है जिस पे एम्ब्रॉयडरी है ज़री एंड धागे की जो है गोल्डन सिल्वर रेड एंड पिंक कलर से इस तरह से तो इसके साथ आप रेड एंड पिंक कलर का प्लाजो पहनोगी ना बहुत प्यारा लुक देगा हल्दी फंक्शन या फिर नॉर्मल में भी पहन सकते हो इस तरह का कुर्ता है नीचे से बिल्कुल प्लेन है बैक से बिल्कुल प्लेन है और धागे जो इसका क्लॉथ है ना उसमें भी हल्की हल्की लाइनिंग नज़र आ रही है प्लेन नहीं है स्लीव्स की मैं बात करूँ तो स्लीव्स इसकी इतनी है एल्बो तक की है और आगे इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है वही बॉर्डर जो नेक पे दिया हुआ है उससे थोड़ा स्मॉल करके इस तरह से दिया हुआ है तो ये भी काफ़ी अच्छी कुर्ती है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है नेक्स्ट पीस है हमारे पास कुर्ता एंड प्लाजो का सेट बहुत प्यारा है बहुत ज़्यादा ये आप छोटे मोटे अगर आप कहीं जाते हो या फिर पाट ऑफिस वगैरह में कॉलेज वगैरह में पहन सकते हो बहुत ही प्यारा सा पीस है रियॉन क्लॉथ में है कुर्ता एंड प्लाज़ो है एंड ये सेम इंडोरा या फिर लिबास ब्रांड का मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था वो काफ़ी कॉस्टली था सेवन हंड्रेड के आसपास था उसी से सेम मिलता जुलता है थोड़ा सा चेंजेस है वो भी स्टिचिंग में मतलब पेंट में प्लाजो में कुर्ती में कोई भी चेंजेस नहीं है ये पठानी कुर्ती है नीचे से इसके जो चाक है ना वो गोल चाक है इस तरह की कुर्ती है री क्लॉथ है प्लेन ब्लैक कुर्ती है एंड वाइट ऑफ वाइट नहीं वाइट कलर का प्लाजो है प्रिंटेड तो इस तरह की कुर्ती है नेक इस तरह का है और नेक पे ना इस तरह का कुछ बनाया हुआ है नीचे इस तरह से वी और इस तरह से ये और यहाँ से ये हुक लगा के रखा हुआ है इसमें तो इस तरह से ओपन करके आप इसको पहन सकते हो ये इस तरह से तो बहुत प्यारा लगता है इस तरह का नेक बाकी स्लीव्स इतनी हैं एल्बो तक और बाकी नीचे से कुर्ता बिल्कुल प्लेन है और गोल चाक में है अब मैं आपको दिखाऊँ इस तरह की गोल चाक में ये कुर्ती है इस तरह की और ये लुक मुझे पैटर्न मुझे बहुत पसंद है गोल्ड चाकर नीचे प्लाजो बहुत प्यारा पठानी लुक टाइप में कुछ आता है तो रियोन क्लॉथ एंड क्लॉथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है सेम उसी तरह की क्वालिटी मुझे लग रही है क्लॉथ की जिस तरह की मैंने इंडोरा ब्रांड में देखी थी या फिर लिबास था या इंडोरा कुछ इसी तरह की थी लिबास ब्रांड थी आई थिंक उसकी तो इस तरह का कुर्ता है ये बहुत ही प्यारा है लेकिन क्लॉथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा रेट के अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है अब इसके प्लाजो की मैं बात करूँ तो आप देखो प्रिंट भी सेम है अगर आपने नहीं देखी लास्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हो कि किस तरह की थी वो सेम था प्रिंट वगैरह सब चीजें सेम थी क्लॉथ क्वालिटी भी सेम थी बस चेंजेस कहाँ थे वो भी मैं आपको बताऊंगी ये है प्लाजो इसमें है दोनों साइड इलास्टिक और नीचे से है इतनी चौड़ाई प्रिंट जिस तरह का उस पे था उसी तरह का था क्लॉथ क्वालिटी सेम है लेकिन चेंजेस क्या है उसकी जो पेंट है प्लाजो है सॉरी वो उस तरह का स्टिच था काफ़ी अच्छी तरह से पी आगे लास्ट वो थी बेल्ट एंड पीछे इलास्टिक था साइड में पॉकेट थी इसमें ऐसा कुछ नहीं है ये सिंपल स्टिच कराया हुआ है कुर्ती बिल्कुल सेम है तो ये है प्लाजो अगर आप कम प्राइस में कुछ अच्छा सा ढूंढ रहे हो ना सेम पैटर्न में तो आप ले सकते हो मेरी तरह मैं क्या है कम प्राइस में लुक सेम आ जाए तो मैं ख़रीद लेती हूँ हो सकता है आप भी मेरे जैसे हो कि इस तरह का सोच के आप कम प्राइस में अगर आपको सेम चीज़ मिल रही है जो ब्रांड से रिलेटेड है मतलब ब्रांड की जैसी है बिल्कुल सेम तो ले लेते होंगे हो सकता है अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये है प्लाजो ये भी अगर आपको पसंद आता है आप ज़रूर लीजिएगा बहुत कम प्राइस में फोर से भी कम प्राइज में मुझे मिला है या फिर फोर हंड्रेड मिला है लास्ट वन है हमारे पास ये कुर्ती जो है बहुत प्यारी इस तरह का मैंने कुर्ता प्लाज़ो भी मंगाया हुआ है पहले मतलब काफ़ी पहले करा हुआ है वो कुर्ता एंड प्लाजो का सेट था ये सिंगल कुर्ती है इस तरह की कुर्ती है कॉलर वाले नेक में है नेक पे बहुत प्यारी सी धागे की एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही अच्छी सी इस तरह से बहुत ही क्लीन एंड फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी है थ्री कलर से एम्ब्रॉयडरी है पिंक रेड एंड गोल्डन कलर की धागे की एम्ब्रॉयडरी है इस पर और स्लीव्स इतनी है स्लीव्स पे भी आगे इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है और नेक पे इस तरह से पूरे पे पैच है बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी है इस पर आप किसी भी कलर का प्लाजो पहन सकते हो बहुत अच्छा लगेगा फ्रंट स्लीट कुर्ती है ये यहाँ से नेक है बस इसका नेक ना मुझे थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ लगा ये आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बंद कराना पड़ेगा कुछ यहाँ तक ये मुझे आ रहा था तो मुझे थोड़ा और लग रहा था हो सकता है आपको सही आया ऐसा भी हो सकता है तो हो सक या फिर आप थोड़ा सा सही करा सकते हो बाकी पीछे इस नीचे इस तरह से है और नीचे इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है नीचे आप देखो इस तरह से और इतनी ये ओपन है यहाँ से तो ये जीन्स के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा और पीछे से बिल्कुल प्लेन है और स्लीव्स वही आगे बॉर्डर है तो ये कुर्ती भी क्लॉथ है इसका री बहुत ही प्यारा बहुत सॉफ्ट एंड बहुत प्यारा कलर इसमें और भी मिल जाएंगे आपको आई थिंक एक कलर और था इसमें आज के हॉल में इतना ही आई होप कि आज का हॉल आप लोगों को पसंद आए अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए और प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपको इनमें से कुछ पसंद आया नहीं आया आपको मेरी चॉइस कैसी लगी क्योंकि आप लोग कॉमेंट्स करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है लास्ट वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और इस वीडियो को भी आई थिंक आप नहीं ही प्यार दोगे बट कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी इनमें से कौन सा क्लॉथ आपको पसंद आया ये भी जरूर बताइएगा मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए सी यू टेक केयर बाय